एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और आज है 30 जून, और मेरी बेटी आज हो गई है 3 महीने की। और पता ही नहीं चला कि कैसे ये 3 महीने निकल गए, छोटी सी थी, नन्ही सी मुन्नी सी। और आज मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करने वाली हूँ, स्पेशल नहीं बोलेंगे, मतलब एक छोटी सी चीज़ करने वाली हूँ उसके लिए। और मैं करूँगी उसका आज फ़ोटोशूट, जो मैंने उसका फर्स्ट मंथ पे भी किया था और सेकंड पे भी किया था, एंड मैंने उनकी वीडियोस भी पोस्ट की है। और आज मैं थर्ड मंथ पे भी उसका फ़ोटोशूट करने वाली हूँ, तो देखना ज़रूर। एंड गाइस, मैं अपनी हम अपनी बेटी के लिए जितना कर सकते हैं हम उतना करने की कोशिश करेंगे, किसी चीज़ में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। एंड वो जब बड़ी हो जाए, अभी तो उसे इतना नहीं पता है कि क्या हो रहा है उसके साथ क्या नहीं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो ये चीज़ देखेगी कि हमने उसके लिए क्या किया है और कैसे उसके हर मंथ को स्पेशल बनाया है, उसके हर मोमेंट को स्पेशल बनाया है। तो जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो ये वीडियोस देखेगी और तब अपने आप को भी देखेगी, वो मैं इतनी छोटी थी और कैसी थी, वो सब चीज़ देखेगी, कैसे मम्मा पापा ने उसके लिए सब किया है। और मैं आई हूँ अपने घर, और तो इस बार मैं उसका जो 3 मंथ का सेलिब्रेशन है वो यहीं पर करूँगी। एंड हर चीज़ करने की कोशिश करूँगी, हर जितना हो पाएगा हमसे हम उसकी हर विश को पूरा करने की कोशिश करेंगे और हर मोमेंट को स्पेशल बनाएंगे। एंड उसके लिए हमें चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो हम करेंगे। मैं आई हूँ यहाँ पे घर पे, तो आज उसका जो 3 मंथ बर्थडे है वो उसके नाना नानी मामा और ये सब मौसी ये सब उसका बर्थडे है वो सेलिब्रेट करेंगे। उसके लिए हर चीज़ उसके नाना नानी बहुत अच्छे से, आयु के लिए गाइस उसके नाना नानी बहुत स्पेशल करने की कोशिश करते हैं हर चीज़, क्योंकि वो सबसे पहली बेटी है हमारी। एंड बहुत बहुत प्यार से उसको दोनों परिवारों का प्यार मिलेगा, क्योंकि वो उधर भी पहली है और इधर भी पहली है, एंड इससे पहले कोई छोटा बच्चा नहीं है, तो उसे बहुत प्यार मिलने वाला है। एंड बहुत किस्मत वाली है हमारी आयु, जो उसे इतने प्यार करने वाले नाना नानी मिले हैं। एंड वो जब बड़ी हो जाएगी वो सब चीज़ देखेगी, उसके नाना नानी उसे कितना प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे वो। तो चलिए, और अब मैं बना रही हूँ गाइस, मैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ। अभी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। गाइस ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, एंड अब मैं बना रही हूँ मोमोज। तो मोमोज कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और होप करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। एंड तो चलिए देर नहीं करती हूँ और बताती हूँ हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने उसकी जो सोयाबीन को भिगोकर रख दिया था पहले ही, और वो फूल चुकी है काफ़ी अच्छे से। एंड उसके बाद हम इसका पानी ऐसे निचोड़ कर इसको हम पीस लेंगे, एंड मिक्सी में पीस लेंगे हम उसका, एक अच्छे से हम इसका बुरबुरा सा हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए, और तो गाइस कुछ लोग तो सबका अपना अपना तरीका होता है मोमोज बनाने का, मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी, और जो बहुत इजी भी होगी एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी खाने में। तो हमने सोयाबीन को भिगो दिया है और हम उसको मिक्सी में पीस लेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर हम लेंगे कैबेज और उसको अच्छे से हम कद्दूकस कर लेंगे, एंड दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एंड तो चलिए, सबसे पहले मैं आटा लगा देती हूँ, और आटा लगाने के बाद फिर मैं वो सारे काम करूँगी, उसके बाद आपको मैं मिलती हूँ। तो चलिए पहले हम आटा लगा लेते हैं, और आटे में हम क्या क्या डालेंगे, किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मम्मी बना रही है खाना पापा के लिए,
पापा खाएंगे और यहाँ पे इधर मैं बना रही हूँ मोमोज। तो जाएंगे आज पार्टी में और उसके बाद हम बना रहे हैं आज मोमोज। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं रेसिपी शेयर करूँगी। भाई मेरा आ चुका है तो चलिए। इधर कर रहे हैं हम चटनी की तैयारी। तो ये कर रही है फ़िलहाल टमाटर प्याज और लहसुन, जो कि इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए गाइस, हमें इसमें लेना है ये वाला कप। आप देख सकते हो ये जो कप है, ये पूरा हमें इसमें लेना है। ये देखिए, हमें इसको लेना है डेढ़ कप, ठीक है। इसमें डाल रहे हैं डेढ़ कप, और डेढ़ कप मैदा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। थोड़ा सा रिफाइंड रिफाइंड और इसको अच्छे से हमें इसमें अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। और एंड इसको हम इसमें हम पानी डाल के इसका एक डो हम तैयार कर लेंगे। और इसका जो डो तैयार करना है वो ना तो ज़्यादा पतला होना है ना ज़्यादा टाइट करना है, बिल्कुल हमें मीडियम रखना है। जैसे आप पूरी का आटा करते हैं उसी तरीके से हमें ये करना है। तो चलिए मैं आटा करके और आपको मिलती हूँ। आप देख सकते हैं हमने एक डो तैयार कर लिया है अच्छा सा, और अब आपको इसको अच्छे से मसलना है। और आप इस पर रिफाइन भी लगा सकते हैं, मैंने इस पर रिफाइन लगाया है ताकि एक अच्छा सा डो बनके तैयार हो जाए। तो चलिए और हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। एंड उसके बाद इसको हम 30 मिनट तक रख के छोड़ देंगे, 30 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। तो इससे इतना ही आटा होता है, इतना मैं बना लेती हूँ मोमोज़ की चटनी। एंड उसकी जो इतना मैं फिलिंग तैयार कर लेती हूँ मोमोज़ के लिए। तो चलिए और इसको हम रख के छोड़ देते हैं थोड़ी देर। आटा मैंने लगा दिया है एंड चटनी भी बना दी है और फिलिंग भी मैंने तैयार कर दिया, अभी आपको दिखा देती हूँ। इधर मैंने चटनी बना के रख दी है, और जिसे चटनी की रेसिपी चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने इसका जो पानी था इसमें नमक मिला के रखा था, एंड इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो सब मैंने निकाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, और आपको आपके आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे, मैंने पहले ही डाल दिया था एंड उसको डालेंगे। और आपके पास धनिया है धनिया डाल देना, जो भी आपके पास जो भी आपको इसमें इसकी स्टफिंग में डालना है वो आप डाल दें। एंड अब हम इसको अच्छे से देखिए आप, और हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम अपनी स्टफिंग को इसमें फ्राई करेंगे अच्छे से। तो हमने गैस ऑन कर दिया है एंड इसमें डाले हैं हम सरसों का तेल थोड़ा सा। सरसों का तेल हमने इसमें डाल दिया है। सो गाइस, सरसों का तेल हमने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसमें अपनी फिलिंग को डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ फ्राई करने के बाद। एंड गाइस, हम इसमें अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो, और हमने इसको फ्राई कर लिया। गाइस आप देख सकते हो डो हमारा कुछ इस प्रकार हुआ है। एंड अब हम इसको अच्छे से गूथेंगे, अच्छे से इसमें हम हाथ लगाएंगे, एंड जिससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, देख सकते हो आप इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है एंड नॉर्मल कंडीशन में है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से हम इसमें हम गाइस, कितना स्मूथ हमने ये आटा कर लिया है। एंड अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोल गोल पेड़ी बनाएंगे, एंड हम साइड में रख देंगे पानी, दिखा देती हूँ। एंड गाइस, हमने भिगोना रख दिया है पानी भर के, इतना इसमें उबाल आएगा इतना हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो चलिए और स्टफिंग हम तैयार कर लेते हैं, कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ।
सो गाइस हमको लेनी है ये, और इसके हमको ये कुछ इस तरीके से हमें ये कर लेना है। तो आपको ये एक एक इसमें से ये डो निकालनी है। इसी तरीके से ये देखिए, हमने इसमें से ये निकाल लिया एंड इसमें से हमने ये निकाल लिया और इसमें से हमने ये निकाल लिया। तो हमने ये छः जो हमने पेड़िया है वो तैयार कर ली है। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला लेना है, आपको ये चीज़ बड़ी करते जाना है। इस तरीके से करो और आप नॉर्मली भी जितना लेना चाहते हो उतने पीसेस ले लीजिए एंड देख सकते हो आप। और हमको इसको ऐसे रोल 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 करना है। और अब आपको ये छोटे छोटे इसके जो बॉल्स हैं वो निकाल लेने हैं, थोड़े इतने इतने, और इसको लेना है और इसके बोल बोलिए इतनी इतनी बॉल्स हमें इन सभी आटे की कर लेनी है। तो मैं इनकी इन बॉल्स कर लेती हूँ, इन आटे की छोटी छोटी पेड़ियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ। तो चलिए, आप देख सकते हो 1.5 कप मैदे की बनी है 26 मोमोज। और तो चलिए अब हम इसको बता दें कि इसको कैसे इसमें इसको बनाना है। तो चलिए, और साइड में मैंने पानी रख दिया है उबलने, तो हम इसको बना लेते हैं। सो गाइस हम इस पर लगा लेंगे हल्का सा ऑयल। अपनी एक एक पेड़िया को हम लेंगे अच्छे से, ये देख सकते हो आप, और इनको बेलना है। एंड इसकी जो स्टफिंग होती है, जो इसकी पेड़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, मीडियम होती है। एंड मैदा है इसलिए वो जिससे जितना बड़ा आप करते जाओगे वो उतना छोटा होता चला जाएगा। एंड देख सकते हो आप, बार बार पलटना मत, क्योंकि अगर आप बनाते नहीं हैं इसको ज़्यादा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बनाने में। एंड देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरीके से हमने बना ली है। एंड हम इसमें भरेंगे, ये जो हमने स्टफिंग तैयार की थी इसके लिए वो हम इसमें रखेंगे। और इसको हमें कैसे बंद करना है ये देखिए, लेना है और जैसे हम प्लेट्स लगाते हैं, प्लेट्स डालते हैं अपनी, उसी तरीके से इसमें भी आपको ये प्लेट्स लगानी है। उसी तरीके से इसमें प्लेट्स लगानी है एंड इसको ऊपर से ऐसे यहाँ से इसकी बंद कर देनी है। आप देख सकते हो मेरी मोमोज कुछ इस तरीके से बनके तैयार है। गाइस आपको ये छलनी लेनी है और इस पर चारों तरफ ऑयल लगा देना है। इस पे चारों तरफ हमें ये ऑयल लगा देना है और जो हम अपनी मोमोज तैयार करेंगे वो हम इसमें रखते चले जाएंगे। ऑयल हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे जो हमारी मोमोज हैं वो नीचे चिपके ना और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। स्टीम मोमो बना रहे हैं तो हम अपनी जो मोमोज है वो यहाँ पे हम रखते चले जाएंगे। और मैं मोमोज बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये सब स्टफिंग वगैरह फिल कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। इसको सुला रही है। क्या कर रहे हैं मम्मी? अरे मम्मी का व्लॉग चल रहा है, हमारी प्रिंसेस सो रही है। देख सकते हो हमारी जो मोमोज हैं वो स्टीम हो चुकी हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देख सकते हो हमारी मोमोज तैयार हैं, ये है स्टीम मोमोज। एंड हमने कुछ मोमोज को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हो, एंड कुछ हमारी इस तरीके से बन रही है, बनी है। तो बताना ज़रूर कि कैसी लग रही है। और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, एक बार ट्राई ज़रूर करना।
गाइज मोमोज हमारी बन चुकी है और अब मैं करूँगी अपनी बेटी का फोटोशूट, तो मैं कर रही हूँ उसकी प्रिपरेशन, तो आपको दिखाती हूँ कि कैसे कर रही हूँ। तो देखियो गाइज, तो गाइज आप देख सकते हो मैंने फ़िलहाल ये निकाली है फॉर्म और मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए हमारी प्रिंसेस जिसे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मम्मा क्या कर रही है, आयू को तो कुछ भी नहीं पता है ना, आयू को क्या पता, आयु तो बेटा मस्ती कर रहा है। आयु की फोटो खींचेंगे, फोटो खींचेंगे मेरे बेटे के। तो गाइज आप देख सकते हो हमने कुछ इस तरीके से किया है बहुत मेहनत से, एंड बताना कि कैसा लग रहा है। अभी बस थोड़ा सा रह गया है, उसके बाद फिर मैं करूंगी आयु को रेडी। एंड अभी आयु एंड गाइस देख सकते हो आप, ये हमारी जो मैंने डेकोरेशन की है वो डेकोरेशन, ये कैसी लग रही है डेकोरेशन वो ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगी है डेकोरेशन करने में, एंड बस छोटी सी कोशिश थी कि अपनी बेटी के लिए कुछ स्पेशल करूं और हर मोमेंट को यादगार बना दूं उसके लिए। एंड बस यही मेरी छोटी सी कोशिश रहती है और हमेशा यही कोशिश रहेगी कि अपनी बेटी के हर दिन को बहुत ही स्पेशल बनाऊँ। एंड यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहे थे तो ये रो रही थी, तो हमें सोचा पहले दूध पिला देते हैं इसको, उसके बाद फिर हम इसका फ़ोटोशूट करेंगे। यहाँ पे सब ऐसे ही फैला हुआ है, दिन में हमने फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया था और अब हम करेंगे केक कटिंग। एंड आपको दिखाऊंगी हमने छोटी सी जो डेकोरेशन है वो की है, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए छोटी सी डेकोरेशन, एंड ये रही हमारी बर्थडे गर्ल, 3 मंथ कंप्लीट हो गए और ये इसकी मासी लेके आई थी इसके लिए, तो हमने इसको यही पहना दिया। सो चलिए तो गाइस ये रहा हमारी आयु का केक। गाइज ये था छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन, कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अपनी बेटी के लिए हर चीज़ करने की कोशिश करती हूँ और हमेशा करूँगी, सो बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको आज का हमारा ये बर्थडे और फ़ोटोशूट कैसा लगा। आपने उसकी फ़ोटोज़ इंस्टा पे मैंने अपलोड की है एंड यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगी, तो जिसने नहीं देखी है जाके वो देख ले और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर ले, एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।